गणपति बप्पा आ चुके हैं और आप लोगों ने उनके लिए मोदक तो बनाए ही होंगे, पर क्या आप लोग ने कभी माइक्रोवेव में मोदक बनाया है? यदि नहीं बनाए हैं तो चलिए आज हम लोग बनाने वाले हैं माइक्रोवेव में बेक्ड मोदक। बनाने की रेसिपी एकदम सरल है, लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और हमारे गणपति बप्पा को भी ये बहुत पसंद आने वाले हैं। तो चलिए अब हम बिल्कुल देर नहीं करते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमें आखिर माइक्रोवेव में बेक्ड मोदक कैसे बनाना है। तो मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम मोदक का आटा गूंथ के तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी मैदा। यदि आप ज़्यादा मोदक बनाते हैं तो आप ज़्यादा मैदा का यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद अब हम मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच करीब रॉक सॉल्ट। मैं ये प्रसाद के लिए मोदक बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रॉक सॉल्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन यदि आप इसे चाहें तो इसमें जो नॉर्मल सॉल्ट होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 चम्मच करीब घी। घी डाल के हम इस घी को अपने मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देन उसके बाद आपको लेना है 1 कप दूध और इस दूध को आपको मैदे में डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब दूध अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा देन उसके बाद आप पानी लेंगे और पानी से ही इसका जो डो है वो तैयार करेंगे। अब आपको बहुत थोड़ा सा ही पानी लगेगा क्योंकि हमने 1 कप करीब इसमें दूध डाल दिया है, तो पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ही थोड़ी होती है। जब हम दूध का इस्तेमाल करते हैं मैदे में तो हमारे जो मोदक होते हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनते हैं। अब इसको हम ढक के रख देते हैं कम से कम 15-20 मिनट के लिए, और जब तक हमारा मैदा 15-20 मिनट के लिए रेस्ट कर रहा है तब तक हम मोदक की स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन चढ़ाया है और उसमें डाला है 1 से 2 चम्मच करीब घी। अब इस घी में हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है। मैंने यहाँ पर कुछ बादाम और कुछ काजू लिए हैं। पहले इन्हें हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है, देन उसके बाद हम लास्ट में इसमें किशमिश डालेंगे। अभी हम इसमें किशमिश नहीं डालेंगे, नहीं तो जो किशमिश होती हैं वो जल जाती हैं। जब हमारे काजू और किशमिश अच्छी तरह से भुन जाएंगे देन उसके बाद हम इसमें डालेंगे किशमिश और बस आधा सेकेंड ही हमें इन्हें इस तरह से चलाएँगे और फिर इसके बाद इसको निकाल लेंगे एक अलग से प्लेट में। देन उसके बाद आपको कढ़ाई में फिर से 1 चम्मच घी डालना है और अब इसमें डालना है आपको 1 कटोरी करीब सूजी, और सूजी को आपको हल्के गुलाबी होने तक अच्छी तरह से भून लेना है। जब सूजी अच्छी तरह से भून जाए तो इसे भी आपको अलग से निकाल देना है। देन उसके बाद आपको उसी कढ़ाई में 1 कप करीब डालना है खोया, और आपको इस खोए को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस आपको इसे गर्म करना है। गर्म करने से ये एकदम सा मेल्ट हो जाता है, क्योंकि इस खोए को मैंने मार्केट से लाया था और ये फ्रिज में रख के थोड़ा सा ऐसा सेट हो जाता है। तो बस आपको इस खोए को गर्म करना है। जैसे ही आप इसे 1-2 मिनट के लिए इस तरह से चलाएँगे गर्म कढ़ाई में तो ये इस तरह से पिघल जाता है। देन उसके बाद आपको इसमें डालनी है सूजी, जो सूजी हमने रोस्ट करके रखी थी उस सूजी को आपको इसमें डालना है। गैस की फ्लेम आपको ऑफ कर देना है और अब इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट सेक के रखे थे उनको भी आपको इसमें डाल देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब आपको इसे इसी तरह से छोड़ देना है कम से कम 15-20 मिनट के लिए, जिससे कि ये खोया बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो जाए। जब खोया अच्छी तरह से ठंडा हो जाता है तो ये फिर से इसमें इस तरह से डल्ले बन जाते हैं, तो आपको इसे हाथों से इस तरह से तोड़ लेना है। इसके जो भी डल्ले हैं आपको इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से तोड़ लेना है। देन उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 कप करीब शक्कर का भूरा। यदि आपके पास शक्कर का भूरा ना हो तो आप शक्कर को मिक्सी में डालकर उसका पीस लीजिएगा, और उसका पाउडर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अब आपको इसमें डालना है थोड़ी सी कुटी हुई इलायची, और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये हमारे जो मोदक हैं उसकी स्टफिंग बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है, और अब इस स्टफिंग को साइड में रख देते हैं। और ये देखिए इतने देर में जो हमारा आटा है वो भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम लोइयां काट लेंगे। जितने बड़े भी मोदक आपको बनाने हैं आप उस हिसाब से इसकी जो लोइयां हैं वो काट लीजिएगा। देन उसके बाद आप इसमें लोई में थोड़ा सा मैदा को डस्ट करिएगा और इस तरह से गोल गोल इसकी पूरियां बेल लीजिएगा। और अब बीच में हम इस तरह से 1 से 1.5 चम्मच करीब स्टफिंग भरेंगे, और साइड के जो पूरा जो आप साइड में देख रहे हैं उसमें इस तरह से आपको पानी लगाना है,
और फिर इस तरह से दोनों को इस तरह से चिपकाते हुए हल्की हल्की सी आपको इस तरह से प्लेट बना के मोदक का शेप देना है। देखिए इस तरह से आपको प्लेट बनानी है और इस तरह से आपको मोदक का शेप देना है। तो देखिए ये कितने अच्छी तरह से हमारा जो मोदक बन गया है। अब इसको आपको हाथ में लेना है, थोड़ा सा इस तरह से हल्के हल्के से प्रेस करते जाइएगा और इसको एकदम गोल आकार दे दीजिएगा। ऊपर का जो एस्टा मैदा है उसे हम निकाल देते हैं। तो देखिए इस तरह से जो हमारे मोदक हैं वो बन जाएंगे। तो इसी तरह से हम जल्दी जल्दी से सारे जो मोदक हैं वो बना के तैयार कर लेते हैं। इन मोदक को हमें बेक करना है, तो बेकिंग ट्रे में जितने मोदक बन सकते हैं उतने मोदक मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। और अब हम ले लेते हैं एक बेकिंग ट्रे, और बेकिंग ट्रे में आपको नीचे लगाना है थोड़ा सा घी और सारे मोदक को आपको इस तरह से रख देना है और ऊपर से भी आपको थोड़ा थोड़ा सा घी इन मोदक में लगा देना है, क्योंकि हमें इनको फ्राई नहीं करेंगे, बेक करेंगे तो ऊपर की जो पपड़ी है एकदम ड्राई ना लगे, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से जो घी है वो लगा देना रहता है। और अब चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको अपने माइक्रोवेव को प्रीहीट पे लगाना है। तो आपको अपने माइक्रोवेव का कन्वेक्शन मोड सेट करना है, देन उसके बाद कन्वेक्शन मोड की 200 डिग्री सेट करके आप इसे 5 से 6 मिनट के लिए प्रीहीट पे लगा दीजिएगा। मेरे माइक्रोवेव में ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें कि यदि हम स्टार्ट के बटन को 2 बार प्रेस करते हैं तो माइक्रोवेव हमारा प्रीहीट होने लगता है। तो मैंने वही मेथड को यहाँ पर फॉलो किया है। जब हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट हो जाएगा देन उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो माइक्रोवेव है हमारा प्रीहीट हो चुका है। एक बीप की साउंड आती है जैसे प्रीहीट हो जाता है। देन उसके बाद आपको माइक्रोवेव में रखना है हायर रैक, देन उसके बाद आपको मोदक रख देना है। और अब आपको यहाँ पर बेकिंग का टाइम लगाना है। तो यहाँ पर आपको जो टाइम लगाना है वो लगाना है 15 मिनट का। तो आप यहाँ से देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर टाइम लगता है। ये देखिए मैंने 15 मिनट का टाइम लगा दिया। 15 मिनट में जो हमारे मोदक हैं बहुत अच्छी तरह से बेक हो जाते हैं और उनमें बहुत अच्छा कलर भी आ जाता है। लेकिन आप बीच में भी मोदक को चेक कर सकते हैं कि आपके मोदक किस तरह से बन के तैयार हो रहे हैं। यदि आपको लगे कि आपके मोदक में अच्छा सा कलर अभी नहीं आया है तो आप टाइम को बढ़ा सकते हैं, और यदि आपके मोदक पहले भी इस तरह से उनमें कलर आ जाए तो आप उनको पहले भी निकाल सकते हैं। तो मेरे मोदक हैं थे वो 15 मिनट में बन के तैयार हो गए थे और मैंने 15 मिनट के बाद ही इनको निकाला है। और आप ये सकते हैं कितने अच्छी तरह से जो हमारे मोदक हैं वो बेक हुए हैं। इनके जो ऊपर की जो कवरिंग होती है बहुत ही अच्छी खस्ता हो जाती है क्योंकि हमने इन्हें बेक करके बनाया है। तो एक बार इस वाली रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और फीडबैक मेरे संग जरूर शेयर करिएगा कि आप लोगों को ये बेक मोदक की रेसिपी कैसी लगी। यदि आप लोगों को मेरी ये मोदक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मिलती हूँ आप सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।